थाना टूंडला क्षेत्र के बनकट के समीप सिंचाई विभाग के खंडहर कार्यालय में मिले युवक के शव की शिनाख्त करने के साथ ही पुलिस ने घटना के तीसरे दिन आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली। मृतक के दोस्तों ने ही पैसों के लेन देन को लेकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या से पहले उन्होंने बैठकर बियर पी थी। आरोपितों ने अंगोछे से फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया था। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 जून की सुबह बनकट रोड स्थित सिंचाई विभाग के खंडहर में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की जानकारी चौकीदार चुन्नीलाल ने पुलिस को दी थी। मौके पर एसपी सिटी समेत पुलिस फोर्स पहुंच गया था। मौके से बियर की 3 खाली केन बरामद हुई थी। पुलिस ने घटना को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। शाम तक पुलिस ने शव की शिनाख्त धर्मवीर पुत्र गिरिराज सिंह निवासी धर्मपुर थाना पचोकरा के रूप में की। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए उसके गांव के ही दोस्त दीपक पुत्र विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने 2 अन्य साथियों भोला उर्फ मुनेश पुत्र महाराज सिंह व लहटू उर्फ विष्णु पुत्र रणवीर सिंह निवासी गन नौपुरा थाना सादाबाद हाथरस के नाम भी पुलिस को बताए। पुलिस ने तीनों को नगला महादेव तिराहा के पास से गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में दीपक ने बताया कि हम दोनों टावर कंपनी में काम करते थे। उनके बीच में लेन देन होता रहता था। उसने बताया कि 5 महीने पहले उसने धर्मवीर से 60,000 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से 30,000 वापस कर दिए थे। मोबाइल सट्टे में बोल कर देखिए, 30 जून को एक सिंचाई विभाग का चौकीदार चुन्नी लाल है, उसके द्वारा अज्ञात शव के बारे में थाना टूंडला पर सूचना दी गई थी। थाना टूंडला की टीम द्वारा कुछ ही घंटों में उसकी शिनाख्त कर ली गई थी। उसके बाद उनके परिजनों के द्वारा सुसंगत धाराओं में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी तीनों टीमों द्वारा टेक्निकल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से बहुत ही अल्प समय में घटना का खुलासा किया गया तथा इसमें 3 अभियुक्तों को प्रकाश में लाया गया। मुख्य अभियुक्त इसमें दीपक है और वह अपने 2 अन्य साथियों लहटू उर्फ विष्णु तथा भोला उर्फ मुनेश के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। उनके पास से घटना में प्रयोग होने वाला गमछा, ग्लव्स, उसके अलावा ईंट और 99,000 रुपया, मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मृतक की मोटरसाइकिल आदि की बरामदगी की गई है। टीम द्वारा बहुत ही अल्प समय में इस केस का खुलासा किया गया है। इस केस का जो मोटिव था, दीपक से ने मृतक से कुछ पैसे उधार के लिए थे और वो उनको वापस नहीं कर रहा था। मृतक द्वारा बार बार उससे पैसे की मांग की जा रही थी, इसी कारण से उसने घटना को अंजाम दिया है। टीम को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, मरने वाले का नाम क्या था और ये हत्या किस वजह से की थी? देखिए, मरने वाले का नाम धर्मवीर था, जो पचोकरा का रहने वाला है। मैंने आपको बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर ये घटना कही की गई थी। मौके पर सर बियर की कैन भी मिली थी, उसका क्या कनेक्शन था? देखिए, वहाँ पर ये लोग गए पहले, चूँकि आपस में परिचित थे। इसमें दीपक उसी गाँव का रहने वाला था और उसको अपना एक बहाना बना करके वहाँ ले गए। फिर वहाँ पर इन लोगों ने बियर वगैरह पिया था, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है।